नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एकदम क्विक सिंपल सा रगड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कुकर में बिना बॉईल किए हुए, जो हम बॉईल करते हैं जितना टाइम उसमें जाता है बॉईल करने में, उतने टाइम में हमारा सब्जी पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। रगड़ा बहुत टेस्टी और एकदम सिंपल सा बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो तेल पसंद करते हैं आप उसका इस्तेमाल करना। तेल गर्म हो गया है, 1/2 टीस्पून हम सरसों का दाना डाल देंगे और 1/3 टीस्पून हम जीरा क्यूमन सीड और 1-2 पिंच जितना हम इसमें हींग डाल देंगे, क्योंकि ये मटर का ये रगड़ा है तो हींग बहुत ज़रूरी है। और साथ में 1 इंच का टुकड़ा मैं दालचीनी और 1 तेज़पत्ता हम डाल देंगे। तड़का हमारा एकदम बढ़िया हो गया है। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। यहाँ पे हमारा प्याज भून रहा है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट मटर भिगा करके रख दिया था, 1 कप लिया था और 1.5 कप हो गया है। इस तरह से हमें भिगा करके ले लेना है मटर को। यहाँ प्याज हमारा एकदम बढ़िया भून गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाला डाल देंगे, ड्राई मसाला। यहाँ पे 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और मिर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1/3 टीस्पून हम यहाँ पे लाल चिली पाउडर डाल रहे हैं। और फ्लेम को मैं एकदम कम पे कर दे रही हूँ, ज़्यादा फ्लेम रहेगा तो मसाला हमारा जल जाएगा। इसको मीडियम लो फ्लेम पे हम बढ़िया अरोमा आने तक मसाले को भून लेंगे। मसाले से एकदम बढ़िया अरोमा आने लगा है, एकदम अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 1 बड़े साइज़ का मैं टमाटर डाल दे रही हूँ और साथ में ही हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि टमाटर बढ़िया गल जाए। अब टमाटर और मसाले को साथ में तब तक पकाना है जब तक कि हमारा तेल सेपरेट ना हो जाए, तब तक चलाते हुए हमें पकाना है। फ्लेम को मीडियम हाई पे कर देते हैं। अब टमाटर एकदम बढ़िया हमारा गल गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा जो मटर है ये हम पूरा डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम 2 मिनट तक मसाले में भूनेंगे। और ये 1 बड़े साइज़ का मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ। आलू ऑप्शनल है यहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है आलू, तो इसलिए मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। एक तो वो रीज़न है और दूसरा ये भी है कि ग्रेवी इसकी बहुत बढ़िया थिक हो जाएगी इसको डालने से। जब पक जाएगा थोड़ा सा हम मैश कर देंगे तो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया थिक हो जाएगी। तो इसको हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। ये बढ़िया भुन गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें हम टोटल 3 कप पानी डाले हैं, इससे ज़्यादा अब मैं पानी इसमें नहीं डालूंगी, इतना इनफ होगा। आप इस हिसाब से भी पानी डालेंगे, कितना सूखा और कितना ग्रेवी वाली चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालेंगे। अब थोड़ा सा नमक मैंने पहले ही डाला था, अब एकदम परफेक्ट इसमें नमक डालेंगे। तो अंदाज के हम नमक डालेंगे। अब इसी स्टेज पर हम गर्म मसाला 1/4 टीस्पून हम गर्म मसाला डाल देंगे, बढ़िया मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को एकदम स्लो पे कर देंगे 10 मिनट के लिए, सीटी नहीं आने देंगे। एकदम मध्यम आंच पे पकेगा ना तो एकदम अंदर तक ये अच्छे से कुक होगा और सॉफ्ट होगा ये। फिर 10 मिनट के बाद हाई फ्लेम करके फिर 1 सीटी लगा करके हम आंच को बंद कर देंगे और कुकर को कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, देन ओपन करेंगे। यहाँ पर कुकर हमारा एकदम ठंडा हो गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम पक गया है, एकदम घुल के पका हुआ है मटर, एकदम घुल गया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ये सब्जी हमारा इतना थिक है जिससे आप पुलाव राइस वगैरह भी खा सकते हो और पराठा पूड़ी वगैरह रोटी वगैरह भी खा सकते हो। अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, आप देख सकते कितना बढ़िया ये कुक हुआ है। इस तरह से आप लोग भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म रगड़ा।
इस रगड़ा को बस बना के गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। और कितना आसान है इसको बनाना आप लोगों ने देखा ही। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।